नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीएलएड परीक्षा के द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में आज से होगा सुधार। बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 54 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। बिहार में ऑटो का रूट होगा तय। प्रदेश में इन जगहों पर लू को लेकर जारी हुई चेतावनी। पहला यूट्यूब वीडियो जाने कहां हुआ था शूट। हवाई सफर में 12 साल तक के बच्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली गुजरात के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जूनियर एनालिस्ट के 361 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। जूनियर एनालिस्ट के 361 रिक्त पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। जूनियर एनालिस्ट के 361 रिक्त पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के रूप में 25 रुपये लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। डीएलएड परीक्षा के द्वितीय डमी प्रवेश पत्र में आज से होगा सुधार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड परीक्षा वर्ष 2024 के लिए जमा किए गए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के आधार पर द्वितीय डमी प्रवेश पत्र को जारी कर दिया है। इसमें आज से सुधार हो सकेगा। इसके अलावा 29 अप्रैल तक की ये प्रक्रिया जारी रहेगी। वेबसाइट http://secondary.biharboardonline.com पर डमी प्रवेश पत्र को त्रुटि सुधार के लिए अपलोड किया गया है। प्राचार्यों के द्वारा अपने संस्थान के छात्र व छात्राओं को अक्षर और मुहर के साथ एडमिट कार्ड उपलब्ध कराना है। वहीं इसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो विद्यार्थी इसे संशोधन कर अपने हस्ताक्षर के साथ संस्थान के प्राचार्य को उपलब्ध करा देंगे। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जैव विविधता उद्यान कुसियार गांव के बारे में। बता दें कि ये बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो बिहार के अररिया जिले में स्थित है। यह स्थान शोधकर्ताओं के साथ ही पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा दे रहा है। अररिया जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर NH-57 पर स्थित है। इस पार्क के अंदर चिल्ड्रन पार्क और देखने की कई मनमोहक चीज़ें भी मौजूद हैं। इस पार्क में आपको 450 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। ये पार्क बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर है। यदि आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव में 54 प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। बिहार में तीसरे चरण का लोकसभा चुनाव 7 मई को होने वाला है। तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव होने वाला है। अररिया, सुपौल, झंझारपुर, मधेपुरा और खगड़िया में लोकसभा का चुनाव होगा। इसमें 54 उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं। बीते सोमवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी, लेकिन किसी भी प्रत्याशी ने अपना नाम वापस नहीं लिया है। इसके बाद झंझारपुर से 10 उम्मीदवार, सुपौल से 15, मधेपुरा से 8, अररिया से 9 और खगड़िया से 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मालूम हो कि तीसरे चरण में चुनाव के लिए 96 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया था। इसमें 42 नामांकन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जब्त करने पर जानिए कहां मिलेगी आपकी कार। गाड़ियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पार्किंग आज की तारीख में एक बड़ी परेशानी बन चुकी है। इस कारण कई लोग ऐसे होते हैं जो सड़क के किनारे ही अपनी कार को पार्क कर देते हैं। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस आपकी गाड़ी को जब्त कर सकती है। नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करना आपके लिए मुसीबत बन सकता है। आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसकी जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी के जब्त हो जाने के बाद आप अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पता कर सकते हैं। साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके भी आप अपनी गाड़ी के बारे में पता कर सकते हैं। गाड़ी का जुर्माना भरकर आप अपनी गाड़ी को वापस पा सकते हैं। बिहार में ऑटो का रूट होगा तय। बिहार में सड़कों के चौड़ीकरण का काम तेजी से हो रहा है। इस वजह से ऑटो और बड़ी गाड़ियों में टक्कर की खबरें भी सामने आती हैं। इस सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑटो का रूट निर्धारित करने का फैसला लिया है। इसका मकसद है कि सड़क हादसों पर अंकुश लगा सके। लोकसभा चुनाव के बाद परिवहन विभाग के द्वारा रूट तय किए जाएंगे। इसमें शहरों के अलावे ग्रामीण इलाकों को भी शामिल किया जाएगा। विभाग ने जिलों को इससे संबंधित जारी दिशा निर्देश दे दिया है। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव के बाद समीक्षा की जाएगी।
के पाठक के खिलाफ हाई कोर्ट तक पहुंचा मामला। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ अधिकारी अपनी शिकायत लेकर हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक करीब 3 महीनों से शिक्षकों और कर्मियों को वेतन और पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। बीते 15 मार्च से शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालयों के खाते पर रोक लगा दी गई है। चल रही मीडिया खबरों के अनुसार मगध विश्वविद्यालय बोधगया की ओर से कोर्ट में याचिका दायर हुई है। इसके जरिए खातों के संचालन पर लगी रोक को हटाने की गुहार लगाई गई है। कहा गया है कि सैकड़ों पेंशनधारी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। एक ही टिकट से कई जगहों पर ट्रेन से यात्रा करना संभव है। इस खास टिकट में बुजुर्ग और महिलाओं को छूट भी दी गई है। सर्कुलर जर्नी टिकट की मदद से 8 स्टॉप के लिए यात्रा की जा सकती है। भारतीय रेलवे की ये सुविधा खास तौर पर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए है, जिससे लोग कम खर्च में आसानी से घूम सकते हैं। ये टिकट 56 दिनों के लिए वैलिड होता है। इस टिकट को काउंटर से खरीदना संभव नहीं है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। साथ ही ट्रैवल रूट की जानकारी आपको देनी होगी। इस टिकट के लिए आपको कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे कुमार विमल के बारे में। कुमार विमल हिंदी साहित्य के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखने वाले समालोचक और काव्य में सौंदर्य शास्त्र के आचार्य थे। इनका जन्म 12 अक्टूबर वर्ष 1931 में बिहार के लखीसराय जिले में पचीना गांव में हुआ था। इनकी यादगार कृतियों में आलोचना पर पुस्तक मूल्य और मीमांसा तथा कविता संग्रह में अंगार और सागर माथा सुमार है। इनकी कई हिंदी कविताओं का अंग्रेजी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, उर्दू और कश्मीरी सहित कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया गया था। इन्हें इनके सराहनीय कार्यों के लिए राजेंद्र शिखर सम्मान सहित उत्तर प्रदेश और बिहार के कई साहित्य सम्मान प्रदान किए गए थे। ज्ञानपीठ समिति द्वारा भी इन्हें विशेष लेखन का सम्मान दिया गया था। हवाई सफर में 12 साल तक के बच्चों के लिए नए दिशा निर्देश जारी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने सभी एयरलाइंस के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है। एविएशन रेगुलेटर की ओर से ये आदेश दिया गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हवाई सफर के दौरान उनके माता पिता के पास वाली सीट उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं वसूलना है। एयरलाइंस को सफर के दौरान इस नियम को मानने का आदेश है। बताया जाता है कि बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। DGCA ने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी बच्चों को माता पिता में से किसी एक के साथ वाली सीट उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखने का आदेश दिया गया है। बिहार में इतने प्रतिशत विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे। बिहार में 1 से 8वीं तक के रिजल्ट में बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, इस बात की जानकारी सामने आई है। इसके अनुसार 8वीं तक के 43% बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि 45% बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। राज्य में पिछले 3 साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट सबसे अच्छा रहा है। इस बार के रिजल्ट में डी और ई ग्रेड प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम रही है। 1% से भी कम छात्र और छात्राओं को डी और ई ग्रेड दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अनुसार पिछले साल की तुलना में ए ग्रेड पाने वाले छात्र और छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिहार में प्रारंभिक जांच में नियुक्ति पत्र मिला फर्जी। बिहार में प्रारंभिक जांच में नियुक्ति पत्र फर्जी पाया गया है। प्रयोगशाला प्रवैधिकी भर्ती में ऐसा मामला सामने आया है। सभी 18 प्रयोगशाला प्रवैधिकी को नियुक्ति पत्र के मामले में अब जांच का फैसला लिया गया है। समस्तीपुर, भोजपुर, मुंगेर, गोपालगंज, सिवान, सुपौल, जहानाबाद, पूर्णिया, नवादा और सारण जिलों के सिविल सर्जन को इसको लेकर पत्र लिखा गया है। साथ ही संबंधित कर्मियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी गई है। सरकार की ओर से इस मामले में जांच का फैसला लिया गया। सांसद निधि के खर्च का डेटा सामने आया है। इसके अनुसार इसे खर्च करने में आर के निधि सबसे पीछे है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी ने सबसे अधिक सांसद निधि की राशि को व्यय किया है। जानकारी के अनुसार 93.55% सांसद आवंटित राशि का पूर्णतया उपयोग नहीं करते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव और 15वीं लोकसभा चुनाव के दौरान 5000 करोड़ रुपए पड़े रहे थे। राजीव प्रसाद रूडी ने सांसद निधि से 2513.68 लाख करोड़ रुपए को व्यय किया है। अजय मंडल ने 853.51 लाख रुपए, वीना देवी ने 1293.94 लाख रुपए, पशुपति पारस ने 1253.28 रुपए, जबकि चिराग पासवान ने 474.02 लाख रुपए को सांसद निधि से खर्च किया है। पहला YouTube वीडियो जाने कहाँ हुआ था शूट। YouTube वीडियो प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉपुलर है।
इसके जरिए लोग कमाई भी करते हैं, साथ ही लोगों का मनोरंजन भी होता है। आपको बता दें कि YouTube का पहला वीडियो 26 साल के एक शख्स ने अपलोड किया था। इस वीडियो के अब 19 साल पूरे हो चुके हैं। YouTube पर यह पहला वीडियो मैं चिड़ियाघर में या मी एट द जू के नाम से अपलोड किया गया था। जावेद नाम के YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड हुआ था। ये वीडियो मात्र 19 सेकेंड का है और इस पर 317 मिलियन से भी अधिक व्यूज़ हैं। इस वीडियो में हाथी के बारे में जानकारी दी जा रही है। मालूम हो कि YouTube 14 फरवरी साल 2005 को लॉन्च हुआ था। इस पर पहला वीडियो 23 अप्रैल साल 2005 को अपलोड हुआ था। प्रदेश में इन जगहों पर लू को लेकर जारी हुई चेतावनी। बिहार में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू के कारण लोग परेशान हैं। मौसम विभाग द्वारा बढ़ते तापमान और गर्म हवा को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और दक्षिण भाग के जिले में लू रहने की संभावना है। बांका, नवादा, शेखपुरा, कैमूर, बक्सर, भागलपुर, सहरसा, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और भोजपुर जिले में एक या दो स्थानों पर लू चलने की संभावना बताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। श्रमजीवी एक्सप्रेस से विदेशी शराब को किया गया जब्त। पटना जंक्शन पर जीआरपी के जवानों ने ड्यून डाउन श्रमजीवी एक्सप्रेस से विदेशी शराब को बरामद किया है। विदेशी शराब की 51 बोतलों को जब्त किया गया है। जानकारी के अनुसार ट्रेन के इंजन से सटे हुए सामान्य बोगी में शराब को छिपाकर रखा गया था। अज्ञात तस्कर के खिलाफ रेल पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मालूम हो कि शराब के खिलाफ रेल पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जाँच के दौरान एक बैग से अलग अलग कंपनियों की 51 शराब की बोतल मिली है। बिहार का ये जिला साइबर अपराध में नंबर एक। बिहार में साइबर अपराधी क्राइम के नए नए तरीके खोज रहे हैं। राज्य में साइबर क्राइम को लेकर बीते 4 साल का डेटा सामने आया है। इसके अनुसार यहां पर 399 करोड़ की ठगी हो चुकी है, जबकि 42 करोड़ रुपयों को होल्ड कराया गया है। साल 2020 से लेकर 2024 में साइबर ठगी को 70,166 शिकायतें दर्ज की गई हैं। नोडल एजेंसी की आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार साइबर धोखाधड़ी के मामले में नालंदा जिला सबसे आगे है, जबकि पटना जिला दूसरे स्थान पर है। वही सहरसा तीसरे और औरंगाबाद चौथे स्थान पर है, जबकि साइबर अपराध के मामलों में गोपालगंज 5वें स्थान पर है। ठगी की राशि लौटाने के मामले में औरंगाबाद जिला सबसे आगे है। राज्य में पिछले साल जून के महीने में 44 साइबर थानों की शुरुआत की गई है। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने का बताया कारण। भोजपुरी के स्टार पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार करने का कारण बताया है। साथ ही कहा है कि जो बीत गई सो बात गई, इस बारे में ज्यादा कुछ बोलने की इच्छा नहीं है। पवन सिंह ने कहा है कि वो हर किसी का सम्मान करते हैं। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हूँ, मुझे लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। पवन सिंह ने बताया है कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने के पीछे निजी कारण है, उसे अंदर ही रहने दीजिए, हर बात को बाहर नहीं निकालना चाहिए। मालूम हो कि बीते दिन पवन सिंह ने काराकाट की सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रचार का आगाज किया है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के नाम लिखा पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के नाम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है, लोगों से अपील की है कि सभी अपना वोट एनडीए को दें। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस पत्र के माध्यम से साल 2005 के पहले वाले बिहार का जिक्र किया है और कहा है कि यहाँ फिरौती के लिए अपहरण किया जाता था, उद्योग और धंधे बंद हो चुके थे, राज्य की व्यवस्था चौपट थी। साल 2005 में एनडीए की सरकार को मौका मिला और वहाँ के लोगों को अराजकता से बाहर निकाला गया। सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। प्रदेश में अब बड़े बड़े निवेश किए जा रहे हैं, नौकरी और रोजगार दोनों के लिए अवसर खुले हुए हैं। मुकेश सहनी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर कसा तंज। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को देखने के लिए अपना चश्मा बदल लेते हैं, वो हर धर्म और जाति के लोगों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि मछली हम और तेजस्वी यादव खाते हैं और कांटा नरेंद्र मोदी जी के गले में लगता है। वीआईपी सुप्रीमो ने लोगों से नरेंद्र मोदी सरकार को बदलने की अपील की है। लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण कुमार ने पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। पार्टी छोड़ने के साथ ही अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि लोजपा रामविलास के कोटे के अधिकतर सीटों के टिकट बेच दिए गए हैं।
इन्होंने कहा है कि चिराग पासवान ने गलत लोगों को संसद भेजने की कोशिश की है, इससे वो काफी असहज महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने लोजपा रामविलास का साथ छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की तुलना बिच्छू से की है और कहा कि बिच्छू डंक मारते रहता है, बच्चे आम के पेड़ पर टिकोला तोड़ने के लिए पत्थर फेंकते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पप्पू यादव ने कहा है कि जनता सब समझ रही है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए कहा है कि जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली गुजरात के बीच होगा दिलचस्प मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज दिल्ली गुजरात के बीच मुकाबला होने जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस की टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच खेलने के लिए उतरने वाली है। दिल्ली की टीम ने 8 मैच में से 3 में जीत हासिल की है, वहीं 5 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में ये 8वें स्थान पर खिसक गई है। वहीं गुजरात टाइटंस ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब को हराया है। पिछले मैच में गुजरात टीम की दिल्ली से हार हुई थी, इस कारण इस मैच में ये टीम जीतने का पूरा प्रयास करेगी। आज दिल्ली और गुजरात टीम के बीच होने वाला मुकाबला काफी खास होने वाला है। आपके अनुसार क्या हार्दिक पांड्या के गुजरात की टीम को छोड़कर मुंबई इंडियंस में चले जाने से आईपीएल 2024 के मुकाबले में गुजरात टाइटंस को कोई फर्क पड़ा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। 24 अप्रैल वर्ष 1973 में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में नेपाल में नई सरकार का गठन करने जा रहे पुष्प कमल दहल ने भारत और नेपाल के मध्य 1950 में हुई संधि को समाप्त करने की घोषणा की थी। आज के दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। आज के दिन शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। आज के दिन विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल तक मनाते हैं। रिलायंस जियो ने चाइना के मोबाइल को पछाड़कर हासिल किया नया मुकाम। रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में पूरे विश्व में नंबर वन कंपनी बन चुकी है। पिछली तिमाही में कुल डेटा ट्रैफिक 40.9 एक्साबाइट दर्ज की गई थी। चाइना की मोबाइल कंपनी को रिलायंस जियो ने पछाड़ दिया है। इस तरह से मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से नया मुकाम हासिल कर लिया है। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक जियो के ग्राहक का आधार 481.8 मिलियन रहा है। जियो के ट्रैफिक से साल दर साल 35.2% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आपका पसंदीदा मोबाइल कंपनी कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गूगल पे, ऑप्शन बी है फोन पे, ऑप्शन सी है रुपए, ऑप्शन डी है मास्टर कार्ड। इसका सही उत्तर है रुपए। हाल ही में इसरो प्रमुख ने कहा आंतरिक सुरक्षा के लिए दिगंत तारा मुख्यालय खोला है? ऑप्शन है बेंगलोर, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है सूरत। इसका सही उत्तर है बेंगलोर। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन ए है बहार खान को, ऑप्शन बी है जलाल खान को, ऑप्शन सी है फरीद खान को, ऑप्शन डी है हसन खान को। इसका सही उत्तर है जलाल खान को। बिहार में स्थित सासाराम रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है शेर शाह, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है इस्लाम शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद जायसी। इसका सही उत्तर है शेर शाह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है पूजा कुमारी, विकास दास, राजेश मांझी, संजय कुमार शर्मा, राजीव कुमार ठाकुर चंदन, राजकिशोर महतो, कृष्णा प्रसाद, अतीक खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, रामनिवास शाह, अरविंद कुमार सिन्हा, पंकज कुमार दास, कोनर शर्मा, नौशाद रजा, राकेश मांझी, ललन सिंह, अनवर करीम खान, पिंटू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप अपने क्षेत्र के मुखिया के कामकाज से खुश हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।